वेल आई स्टार्टेड विद वन पर्सन ओनली. एक बंदा था मेरे पास जब मैंने स्टार्ट किया था 2019 में. मैंने स्टार्ट किया, नाउ आई हैव अ टीम ऑफ 23 पर्सन्स. सो ऑब्वियसली मैं सबको यही बोलूँगी कि काम करें. काम करना, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है. फिर खुद इंसान को कामयाबी मिलती है. आप आगे बढ़े, थोड़ी सी मेहनत करें और खुद हो जाता है. चैलेंज बहुत ज़्यादा थी जब चैलेंज की बात आती है, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड इट वाज अप्रैल एंड देन उसके बाद ही फिर आर्टिकल का हुआ, आर्टिकल रिवोक, तो फिर पूरा इंटरनेट शट था. मेरे लिए एक चैलेंज था बिकॉज नया कुछ खोला था, लोगों को नहीं पता था इसके बारे में, और फिर अचानक से इंटरनेट पूरा एक साल के लिए बंद हो जाता है. तो मुझे इंटरनेट के बगैर लोगों तक पहुंचाना था कि हमने कोई ब्रांड खोला है. सो यस, डेफिनेटली इट वाज चैलेंजफुल. वी सॉ एन ओवरवेलमिंग रिस्पांस फ्रॉम पीपल. एवरीबॉडी लव्ड आवर कलेक्शन. सब ने अप्रिशिएट किया. इट वॉज एन फन इवेंट. बहुत अच्छा लगा. आई गॉट टू इंटरेक्ट पीपल. नए नए लोग मिले, नए नए दोस्त मिले. अच्छा रिस्पॉन्स था. बहुत अच्छा इवेंट. देखो, मेहनत के बगैर तो आपको फल नहीं मिलेगा. मेहनत तो करना ही है. वो तो यू कैन नॉट इवन कंसीडर कि मेहनत करें या नहीं. आई एम हैप्पी कि लोगों को अच्छा लगा, लोगों ने एक रिस्पांस दिया है. वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. मेहनत तो करनी है. मेहनत का फल फिर ऊपर वाले के हाथ में होता है. अल्लाह ताला अगर मेहनत का फल बख्शेंगे वो तो उनके हाथ में है, बट मेहनत तो करनी है हमें. वी हैव ब्राइडल वेयर. वी हैव एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच फॉर गर्ल्स. लाइक आपको ब्राइडल वेयर चाहिए वो भी हमारे पास है. लहंगाज है, शरारा है, गरारा है, आप वो जो हम आप शेरन वाला फिरन शलवार बनाते हैं वो हम रखते हैं. एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच टू एवरीथिंग, वी हैव एवरीथिंग. हैंडमेड भी हमारे पास होते हैं. हैंडवर्क भी करते हैं हम, मशीन वर्क भी करते हैं, बिकॉज हमें लोगों का बजट भी देखना है. अगर हम सिर्फ हैंडवर्क ही करेंगे तो सब किसी के वो पॉकेट फ्रेंडली नहीं हो जाता है सबके लिए. माई बेसिक रेंज स्टार्ट्स फ्रॉम 3600, देन देयर इज नो लिमिट. व्हाटएवर यू नो, वी डिज़ाइनर्स ऑलवेज वर्क अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स बजट. जो हमें कस्टमर्स बजट देते हैं हम उसमें बोलते हैं कि इतना ये चीज़ें फिट हो सकती है कि नहीं. सो हम हमेशा बजट के हिसाब से ही काम करते हैं. जी, अगर हम बात करें वियान रोज़ बुटीक की, सो वन ऑफ द फेमस बुटीक एज यू नो जो राजबाग में है. सो टुडे आई केम हेयर राजबाग रेडिसन कलेक्शन में. इनका यहाँ पे सेल पे चल रहा था 50% ऑफ पे. सो यू कैन सी ब्यूटीफुल ड्रेसेस. आई ब्रॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस हेयर एंड यू कैन ऑल्सो सी वेराइटी. यहाँ पे वेराइटी शरारा की है, विंटर कलेक्शन की है. सो ऑल देर आर ऑल काइंड ऑफ ब्यूटीफुल वेराइटीज़ यू कैन फाइंड हेयर, स्पेशली लेडीज़ के लिए, बिकॉज लेडीज़ आर वेरी फॉन्ड ऑफ कलर्स. तो अगर हम बात करें कलर्स की, तो यहाँ पे एक से बढ़कर एक बढ़िया कलर्स है. एज यू कैन सी, आप देख सकते हैं विंटर्स में, समर्स का सब कुछ, इवन लहंगा से लेकर शरारा तक एवरीथिंग इज अवेलेबल हेयर. प्लस यहाँ पे ज्वेलरी है, जूती है, सो एवरी काइंड ऑफ वैरायटी. सो यहाँ पे अगर एक लेडी आएगी तो सेटिस्फाइड होकर ही जाएगी. सो आई विल सजेस्ट कि आप यहाँ आइए और अच्छे से शॉपिंग कीजिए. सो मैम इज इवन गिविंग डिस्काउंट. इस टाइम पे मैम डिस्काउंट भी दे रही है. सो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. सो यू कैन बाय डिफरेंट काइंड ऑफ वैरायटीज. एज आई फाउंड द ब्यूटिफुल शरारा हेयर टूडे. सो एज यू कैन सी, अगर हम बाकी शरारा की बात करेंगे तो अब वुमेन के नेवर स्टॉप हेयर, बिकॉज यहाँ पे मन करेगा कि ले, मतलब इंसान ले ले, स्टॉप ना हो लेने के मामले में, बिकॉज वेराइटीज़ बहुत ही बढ़िया है. एंड यू कैन सी मटीरियल, इवन मटीरियल इज इवन गुड. यू कैन फाइंड द डिज़ाइन एवरीवेयर, बट यू कैन नॉट फाइंड अ गुड मटीरियल विद डिज़ाइन. सो यू कैन सी बोथ द थिंग्स आर अवेलेबल. इट्स अ बिग इंस्पिरेशन. अगर कोई लड़की आज के ज़माने में अपना बिजनेस चूज करती है और उसको इस लेवल पे लेकर जाती है कि बाकियों को इंस्पिरेशन मिले, सो आई थिंक इन कश्मीर स्पेशली इट्स अ बिग थिंग, बिकॉज यहाँ पे उतना एक्सपोजर नहीं है एज कम्पेयर टू अगर हम बाकियों की जगहों की बात करें. सो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी बाकियों के लिए भी टू लर्न, इवन कि इनसे सीखे कि इन्होंने कैसे स्टार्ट किया, इनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और इन्होंने कैसे मतलब अपना बिजनेस जो है वो यहाँ तक लाया. सो आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि यू शुड कम आउट फ्रॉम योर कम्फर्ट जोन और आप एक स्टेप आगे बढ़ाइए अपने कम्फर्ट जोन से और फिर देखिए द वर्ल्ड इज़ वेरी बिग एंड यू कैन डू इट. एवरी गर्ल कैन डू इट एंड इवन दो अस एंड शी इवन डिड इट एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ हर बिकॉज शी इज़ अ कश्मीरी गर्ल एंड वी आर रियली रियली प्राउड ऑफ हर कि हमें इससे इतनी इंस्पिरेशन मिल रही है कि हम भी कल को कुछ अच्छा कर सके. मेरा मैसेज यही जाएगा सब लोगों के लिए कि मेहनत करें, मेहनत का फल मिलता है. आप मेहनत से ना डरें, मेहनत करने के बाद इंशाल्लाह ताला फल मिलता है.
मिलता है। मैंने एक्चुअली इस एग्जीबिशन के बारे में लोगों से सुना और मैं कश्मीर में ये पता है कि मुझे कि ये बहुत अच्छा लेबल माना जाता है इंडियन क्लोथ्स के लिए, कश्मीरी क्लोथ्स के लिए। सो मैं देखने आई थी कलेक्शन की, कलेक्शन देखूं कैसा, और यहाँ आके मुझे ये समझ आया कि सबसे पहले कलेक्शन बहुत अच्छी है, बहुत लेटेस्ट है, वेरी वेरी यंग एंड यूथ फ्रेंडली जिसको कलेक्शन बोलते हैं, जो समथिंग जो मेरे को पर्सनली पसंद है, समथिंग दैट आई कैन वेयर, आई फाउंड इट दैट वे। सेकेंडली द रेट्स आर अमेजिंग। लाइक सबका एक नोशन होता है कि यू नो कश्मीर में कपड़े महंगे मिलते हैं, दिल्ली में सस्ता मिलता है, यहाँ वो, बट यहाँ की जो रेट्स थी आई थिंक दे आर अमेजिंग। आई डोंट थिंक एनी बडी इन द मार्केट इज एबल टू गिव दीज रेट्स एंड दिस क्वालिटी एंड दिस काइंड ऑफ डिजाइन। सो मेरे को जो पर्सनली कलेक्शन बहुत पसंद आई है, एंड जो इसकी ओनर है शी इज़ अ स्वीट हार्ट, शी इज़ अ वेरी नाइस लेडी, शी मेक्स श्योर कि उसके जो भी कस्टमर्स हो वो अटेंड हो, उनकी जो चॉइस हो, उनका जो यू नो टेस्ट हो वो मैच हो, वो मीट हो, एंड शी इज़ नॉट ट्राइंग टू सेल हर बिजनेस टू पीपल बाय फोर्स, शी इज़ मेकिंग कस्टमर्स अर्न द ट्रस्ट एंड देन मेक देम बाय। सो मेरे को बहुत अच्छा लगा, कलेक्शन बहुत अच्छी है, आई थिंक शी कैन डू वंडर्स इन कश्मीर, आई थिंक शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन कश्मीर फॉर क्लोथ्स।